हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज, आज जो हम एक नए एमुलेटर के बारे में बात करेंगे, तो उसको जो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर जो फ्री फायर कैसे चलाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइज, सबसे पहले आपको जो है जस्ट डायरेक्ट सर्च कर देना एक्सी प्लेयर, तो ये एंड्रॉयड एमुलेटर है। तो गाइज, यहाँ पे आप जो है दो ऑप्शन आपके पास, या तो ऑफलाइन डाउनलोड करो, ऑफलाइन डाउनलोड करोगे तो यहाँ से गाइज इस साइट से जो आप डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन को, और गाइज अगर आप जो है ऑनलाइन करना चाहते हो तो इसके ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो हम इसको जो है इंस्टॉल करेंगे डायरेक्ट। तो गाइज, यहाँ पे हमारा जो है कस्टम इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो इसको जो है हम बाहर ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सी ड्राइव के अंदर ओके कर देते हैं। तो सी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बनेगा या नहीं बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम न्यू फोल्डर क्रिएट किया था हमने, उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ओके कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। तो कुछ सेकंड के अंदर ये आपका ऑफलाइन वर्जन है, तो आपका इजीली जो है सीधा इंस्टॉल हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज, यहाँ पे थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन गाइड भी लिख रखी है, वो आप जो पढ़ सकते हैं। तो इसको फटाक से इंस्टॉल करते हैं जितने फास्ट पॉसिबल हो सकते हैं। सो गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा एमुलेटर है। तो स्टार्ट हो गया हमारा वर्जन, आप ऊपर चेक कर सकते हो। तो गाइस, ये बिल्कुल ही लो एंड पीसी के लिए है, तो आप जो स्मार्ट गागा की वजह इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आपकी एप्स वगैरह के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया, तो अभी इसको कट करते हैं, हमें अभी इससे ब्राउज़र से नहीं डाउनलोड मारनी। तो ये गैलरी वगैरह, ये कुछ सेटिंग्स है, यहाँ पे प्ले स्टोर का ऑप्शन दिया गया। सो गाइस, यहाँ पे डायरेक्टली हमारा प्ले स्टोर दिया गया है, तो प्ले स्टोर को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग आईडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं फटैक से। सो गाइस, जैसे ही आप सक्सेसफुली साइन इन कर लेगे, उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे सर्च कर देना फ्री फायर। तो ऑलरेडी यहाँ पे सर्च पे आ गया है, तो इसको जो जस्ट आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपकी ये 700 के आसपास की MB की फाइल रहेगी, तो एक्सेप्ट। ये गाइस यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। इसके बाद गाइज, यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे फाइल डाउनलोडिंग पे लग गई है, तो इसको फटाक से इंस्टॉल या डाउनलोड कर लेते हैं, जो भी करना हमें। सो गाइज, फाइनली जो हमारा डाउनलोड हो चुका है फ्री फायर, और इंस्टॉल भी सक्सेसफुली हो चुका है, तो इसने तो मेरे इंटरनेट को भी स्लो बता दिया, मैं क्या ही बोले। तो गाइज, ये फ्री फायर का आइकॉन आ गया, तो इस पर क्लिक करने से पहले जस्ट आपको की मैपिंग वगैरह यहाँ पे होते हैं, मैं बता देता हूँ। और इसको ओपन करते हैं फटैक से। तो आपने जो है मतलब कि फ्री फायर की साइन इन की है अपने आईडी, तो डायरेक्टली गूगल वाली तो चली जाएगी। तो दूसरी हम जो फेसबुक वाले साइन इन करके देखेंगे इसमें। सो गाइस, फाइनली ये जो है हमारा चल चुका है फ्री फायर। सो इसको साइन इन करते हैं फटैक से। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया इसने फेसबुक से भी लॉगिन करने में। उसका जस्ट गाइस एक ही रीज़न था कि आपका जो है फेसबुक लाइट इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलेगा, जब तक आप उसको अपडेट नहीं करोगे, जब तक आपका जो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल पैक डाउनलोड करेगा अपने आप, मैं नहीं चाहता अभी डाउनलोड होए। तो एक बार ये पेज लोड हो जाए, तो पेज लोड हो गया है। तो यहाँ पे ये जो इतने सारे पैक आए हैं, अभी डाउनलोड अपने आप तो नहीं हो रहे, काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे हम, स्मूथ को जो है अल्ट्रा कर देंगे। यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन दिखेंगे, थर्ड वाले या फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि गाइस अभी अभी मतलब कि इसके अंदर जो ये लो एंड पीसी के लिए है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको सेंसिटिविटी वगैरह जो है ये कर लेनी है आपको, तो काफ़ी अच्छी सेंसिटिविटी है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। और AW का थोड़ा सा हम कम ही रखेंगे। तो कंट्रोल्स के अंदर जाके हम जो कस्टम हब को अभी नहीं करेंगे,
अभी इसको हम फास्ट कर देंगे, साउंड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। और वॉइस को हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और साउंड इफेक्ट को थोड़ा कम, एंड अदर पे कुछ नहीं करना आपको। और अब गाइस की मैपिंग पे चलते हैं। तो की मैपिंग गाइस आपकी इस टाइप पे रहेगी, सारे बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको सिलेक्ट मिलेंगे, जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। जब अगर आपकी ज़रूरत होगी मतलब कि चेंज करने की, मैं बताऊँगा थोड़ा। हाँ, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चलते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे साइड में ये जो स्लाइड का है, इसी से हमारा जो बैक वगैरह होएगा, तो इसको जो हम सेव करेंगे ना तभी हमारा बैक हो पाएगा। तो इसको सेव करते हैं अभी के लिए। तो ट्रेनिंग पे चल के देखते कि कैसा चलेगा हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड में, जो है इसकी परफॉर्मेंस ड्रैग व्रैग लगेंगे या नहीं लगेंगे। और परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है अभी तक की। ये जो कर्सर कैसे गायब होगा उसका देखते हैं हम। तो राइट क्लिक से जो हमारा कर्सर गायब होएगा, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक से, और सिंगल क्लिक से वापस आ जाएगा। तो गाइज हमने जो सेंसिटिविटी वगैरह काफ़ी हाई कर दी है, तो इसकी जनरल की थोड़ी सी कम ही रखते हैं, 65 ही रख के देखते हैं। और गाइज राइट क्लिक दबाएंगे तो हमारा कर्सर गायब होगा। तो अभी भी काफ़ी फास्ट है, तो अभी भी हमें थोड़ा स्लो करनी पड़ेगी। तो इसकी और सेंसिटिविटी जो है थोड़ी कम कर देते हैं। तो अभी ट्राई करके देखते हैं। ये गाइज आपकी DPI वगैरह पे भी डिपेंड करेगा, आप जो अपने PC के अंदर DPI वगैरह क्या सिलेक्ट करते हो। तो क्या वो आइटम सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और ये जो है आपका जो है राइट क्लिक से माउस जो मैंने बताया। तो यहाँ पे हम विक्टर गन ले लेते हैं, दोनों विक्टर चला के देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हो गया, तो जस्ट आपको की मैपिंग पे जाना है, इस पे टैप करना है और ई प्रेस कर देना है। और यहाँ पे कैप्स लॉक जो आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर आप लोग के चक्कर के लिए, इसको आप जो है टैप दे सकते हो, दे दिया आपने टैप। और इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अभी के लिए यही सही है। और जैसे आप जो है लेफ्ट साइड मतलब कि बाहर साइड ये जो है इसको करोगे, तो इसकी जो है यहाँ पे ये सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम ही रखना क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है। तो इसको सेव कर देते हैं और सिंगल क्लिक दबाते हैं, और ये डबल वेक्टर हमारे निकल गए। तो गाइस अभी तक काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हेड लगेंगे, तो हेड का तो पता नहीं, इसका शायद पहले से डैमेज था, थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, बजाओ ताली। बट हेड पड़ रहे हैं अच्छे खासे। जेड से वापस आएंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रीलोड के लिए R है, ये 1-2 से हमारा जो गन वगैरह स्विच करेगा। बेसिकली आपको सेटिंग्स वगैरह दिख रही होगी यहाँ पे, आप जो है इजीली कर पाओगे। M से हमारा मैप दिखेगा और Z से हमारा रिफाई हो जाएगा यहाँ से। तो इसको सेव करने के लिए आपको राइट साइड में जाना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइज यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जनरल को थोड़ा सा और कम करेंगे हम, 15 के आसपास रखेंगे, और DPI को मैं थोड़ा 1000 पे ले जाता हूँ। तो अभी ज़्यादा है ये, और भी ज़्यादा है, तो ये 500, ये है 1000। तो 1000 पे DPI पे करके रिवाइव करके देखते हैं और हम जो है खेल के देखते हैं। तो गाइस मतलब कैसा चलेगा अभी पता चलेगा। तो अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सेंसिटिविटी जो आप इसकी PC की सेटिंग्स पे जाके कर सकते हैं। बट जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी ना गाइस, उतना ही ज़्यादा आपका ड्रैग पड़ पाएगा। तो ये बात आप जो है नोटिस कर लेना अपनी। अभी काफ़ी अच्छी मतलब कि सेंसिटिविटी होगी और काफ़ी अच्छी हेड पड़ रहे हैं। तो बट आपको जो स्टार्टिंग में ज़्यादा ही लगेगी, आप PC लाइक हैकर हो जाएंगे यहाँ पे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो गाइज मैं गन स्विच करके आ जाता हूँ यहाँ पे, तो जिससे आपको पता चल जाए, थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। विक्टर से आप सोच रहे हो विक्टर से हेड लग रहा है, बट यहाँ पे हर एक गन से हेड पड़ेगा, बहुत गंदे वाला। गाइज यहाँ पे 2 शॉट ले लेते हैं हम दोनों। तो वैसे तो 2 शॉट की स्किन अपने पास, बट यहाँ पे शो नहीं होगा। कैप्स लॉक से हमारा ये, और 3 से हमारी जो है गन की वापस कर ली। तो मोस्टली LD प्लेयर जैसा ही है, बट आपको जो इसके अंदर काफ़ी अच्छे ड्रैग लग पाएंगे। पावर हमारी थोड़ी सी कम थी, तो रिवाइव हो जाते हैं।
तो गाइस थोड़ा सा मतलब कि जो है इसकी सेंसिटिविटी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। अभी मेरे को ज़्यादा आदत नहीं हुई तो मेरे को थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रही है, बट इसकी अगर आप मेरे को की मैपिंग के लिए वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो मैं काफ़ी अच्छी इसकी जो सेटिंग्स लेके आ जाऊँगा। अभी तो मैंने जस्ट आपको दिखाया है, मतलब क्या ही बोले, तो मत करो रन। तो इसकी जो है थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी, बट गाइज हेड देख रहे हो गाइज। सो गाइज जो LD प्लेयर यूज़ करते हैं और जिनके हेड जो थोड़े से कम लगते हैं ना, वो ट्राई कर सकता है इसको। और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी तो गाइज इसका एमुलेटर की ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल है, फर्स्ट टाइम जो हम ट्राई कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जैसे जैसे हम जो है खेलना स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो है इसकी नई सेटिंग्स आएगी और आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगर आप में से 10 से 15 बंदे मेरे को कमेंट करते तो तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को जो कमेंट करके बता सकते हो। और गाइज फॉर मोटिवेशन इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो हम ला सके आपके लिए। और गाइज कई बंदों का क्वेश्चन है कि स्मार्ट गागा का 3.6 वर्जन के अंदर अगर वो आ रहा है आपका ब्लू स्क्रीन एरर तो कौन सा ट्राई करें, तो 3.0 ट्राई कर सकते हो। एंड गाइज LD प्लेयर तो अपना है ही बेस्ट, तो ये भी मतलब OP लेवल की हेड गाइज, क्या ही बोले, मतलब मस्त था, मज़ा आ गया वैसे तो इसमें भी। बट इसकी सेंसिटिविटी सेट कर दूंगा मैं, अगर आप जो इसको यूज़ करोगे तो मेरे को कमेंट करके बता देना। तो गाइज एट लास्ट नॉट लीस्ट, आप जो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइज साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और गाइज आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय गाइज। Thank you.